बागेश्वर धाम महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने लव जिहाद को लेकर बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत को खंड खंड करने के लिए यह एक षड्यंत्र है। इसके पीछे कुछ मुस्लिम देश हैं, वहां से इसकी फंडिंग होती है। उनकी सह पर भारत देश में ये षड्यंत्र चलाया जा रहा है, इसे रोकना जरूरी है। दरअसल गोहद दंदरौआ धाम पर कथावाचक बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने दंदरौआ धाम पर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लव जिहाद बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। भारत के सनातन धर्म को मिटाने, खंडित करने के लिए विदेश, अरब देश मिलकर इसके लिए पैसे दे रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हिंदुओं को अब एकजुट होने की जरूरत है। एक दिन सनातन धर्म को मिटाने वाले सनातन धर्म अपनाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा हो रही है, जिस पर उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र समाज का विषय है, इसका निर्णय समाज को ही लेना चाहिए। हम सनातनी हैं, हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम हनुमान भक्त हैं, समाज के लिए भले के लिए कार्य कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारी हिंदुओं बेटियों के साथ, ये जो है षड्यंत्र पूर्वक लव जिहाद, एक बहुत बड़ी यूनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और भारत को मिटाने के लिए, भारत को खंड छिन्न भिन्न करने के लिए ये बहुत बड़ी योजना है। इसमें विदेशों से फंडिंग आती है। ऐसे लोगों को ऐसा ही करके जवाब देना पड़ेगा, हिंदुओं को जगना पड़ेगा, तभी प्रायोजित ढंग का षड्यंत्र है। विदेशी फंडिंग अरब देशों से आती है, और इसमें जो है जो ये जो जय भीम वाले हैं ना, ये सभी लोग रुपया जोड़ करके अब खुद आगे नहीं आ रहे हैं, ये दूसरों को आगे कर रहे हैं और हमारे हिंदुओं को बहला रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, ये लौट कर सनातन में ही आएंगे। ये सब खेल रुपयों का है, पर आप लोग सब लोग एक हो जाओ। अब हम